बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और जनाब, आज जो है मैंने जस्ट आपको ये दिखाना था कि मैंने जो आज शॉपिंग की वो ये देखें इन चीज़ों की किया। ढेर सारे मार्कर्स हैं। मैं स्टेशनरी शॉप पे जब भी जाती हूँ तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं ये कट मार्कर्स, क्योंकि मेरा वर्क भी है, ये देखो प्रोफेशनल वर्क भी है, यूट्यूब पे भी इसका काम करती हूँ। प्लस मुझे बहुत क्रेज़ है स्टेशनरी का, इंक पेन, जेल पेन, बॉल पॉइंट्स, मार्कर्स, ये सारे जो है मुझे बहुत क्रेज़ है स्टेशनरी का, डायरीज़ वगैरह। तो जहाँ पे भी मुझे मार्कर्स नज़र आते हैं मैं फटाफट पकड़ती हूँ, चाहे घर में पड़े भी हों, मुझे बहुत पसंद है। और क्योंकि आपको पता है मैं इसकी जो है वो इस तरह से प्रेजेंटेशन भी बनाती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ, थोड़ा काम भी करना होता है, उसके अलावा मुझे पर्सनली वैसे बहुत पसंद है। यहाँ पे एक दो दिन पहले मैं ये शॉप पे गई, वहाँ पे जो है आपको पता है ब्लैक मार्कर जो है 604 और 605 बहुत मुश्किल से मिलते हैं। 604 फिर भी मिल जाता है, 605 ब्लैक फ़िलहाल यहाँ हमारे एरिया में, लाहौर में बात कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जब भी एक मैं लास्ट टाइम ये शॉप पे गई, स्टोर था, जनरल स्टोर था, वहाँ गई तो मुझे ब्लैक मार्कर नज़र आया, तो मैं मुझे जो है बस नज़र आने की देर है, मैंने कोई 5-6 डब्बियाँ उसकी पकड़ ली। और हैरत की बात है उसके पास हैं ही सारे ब्लैक थे, ब्लैक 605 मार्कर्स और ब्लैक 604। मैंने फटाफट 5-5 डब्बियाँ पकड़ी इनकी, 605 ब्लैक कट मार्कर और 604 ब्लैक कट मार्कर, ये देखो। और इसके अलावा ब्लू मार्कर्स भी मैंने लिए, ब्लू तो आपको पता है इजीली मिल भी जाते हैं, ब्लैक नहीं मिलते, तो मैंने ब्लैक ढेर सारे, ये देखो ढेर सारे उठा लिए कि बाद में पता नहीं मुझे मिलते हैं नहीं मिलते। और कुछ जो है मैंने पॉइंटर लिए हैं, कुछ बॉल पॉइंट्स ली, कुछ जेल पेन लिए, क्योंकि आपको पता है सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं, तो जेल पेन जो है वो मैं बहुत जेल पेन लेती हूँ, पर पता नहीं क्या होता है मुझसे ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो फिर मैं कभी, ये देखो जैसे लास्ट टाइम में मैं लाइव आई हूँ तो मैंने मार्कर से जो है वो सिग्नेचर्स किए सिंपल ब्लैक मार्कर से, तो इस वजह से होता है कि फिर मैंने जेल पेन्स लिए हैं, मैंने अब दोबारा लिया, पता नहीं अब ये कब तक साथ देता है, तो दोबारा चक्कर लगाना मेरा मुश्किल हो जाता है ज़रा। तो जब भी मैं बाहर निकलूँ तो मैं ज़रूर, ये मेरी मेन शॉपिंग यही होती है, क्योंकि मुझे इनका क्रेज़ भी है, प्लस मेरा काम भी है, मैंने वीडियोस भी बनानी होती हैं, उस पर काम भी करना होता है, तो क्योंकि ज़्यादा यूज़ करें तो फिर मार्कर की टिप ख़राब हो जाती है, तो मुझे फिर हर दफ़ा न्यू चाहिए होता है। तो मैंने जस्ट वैसे ही आपके साथ शेयर करना था, ढेर सारे मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको देख के, मुझे बहुत क्रेज़ है मार्कर्स का, कट मार्कर्स का, ब्लैक और ब्लू, ब्लू बहुत आराम से मिल जाते हैं, ब्लैक नहीं मिलते, और जब मुझे ब्लैक मिले मैंने देखे मुझे जितनी खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकती। और जो शॉपकीपर है वो मुझे इतनी हैरत से देख रहा था कि इसने कितने क्या करने हैं, इतने ब्लैक मार्कर्स इसने कट मार्कर्स पकड़ लिए, और मैं उसे कह रही थी कि आपको और मिलेंगे तो और लेके आना, क्योंकि उसकी शॉप पर इतने ही बॉक्सेस थे, मैंने सारे ही पकड़ लिए, तो मैंने कहा और लेके आना मैं आपसे लूँगी, तो उसने कहा ज़रूर लाएँगे। तो ये देखिए ये मेरी ढेर सारे से मार्कर की शॉपिंग है, अभी मैं दोबारा इसे संभाल के रखूँगी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसे बॉक्सेस से ओपन किए हैं, अब दोबारा इसको अरेंज करके रखूँगी। और आप सब जो हैं कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी आजकल, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हो गए हैं, अगर हो गए हैं, हो रहे हैं तो वीडियो ज़रूर देखिए जो एग्ज़ाम्स के हवाले से रिलेटिव मेरे चैनल पे मौजूद हैं और जो मैं डेली अपलोड करूँगी। और प्लस अगर एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है वो हैंड राइटिंग सेशन, कैलीग्राफी सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका सिखाऊंगी, प्लस मार्कर से कैसे प्रेजेंटेशन देनी है वो भी सिखाऊंगी, मार्कर को कैसे लिखना है, मार्कर का यूज़ कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी, ज्वाइनिंग राइटिंग इंक पेन से कैसे करनी है, इंक पेन भी मैं लेके आई, मुझे बहुत प्यारा सा लग रहा था, ये किसी ने यूज़ करके चला के चेक किया होता तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा कुछ नहीं होता, मुझे अच्छा लगा मैंने पकड़ लिया। मैं कोई एक्सपेंसिव जो है वो इंक पेन नहीं लेती, लोकल जितने भी पड़े होते हैं इंक पेन मैं कोई भी ले लेती हूँ, बस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए जनाब, पेन कोई भी हो चल आपकी उस पर लिखते लिखते खुद ही ग्रिप हो जाती है और अच्छा हो जाता है वो इंक पेन, बस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो राइटिंग ज़रूर सीखिएगा, ज्वाइनिंग राइटिंग सेशन स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, और अगेन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पहले से भी 3-4 सेशन मौजूद है मेरे चैनल पे, लेकिन जब न्यू व्यूअर्स होते हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनको नई आइडिया होता है या नहीं उनको वीडियो शो हो रही होती,
तो इसलिए फिर जो है वो पूछते हैं कि जॉनी राइटिंग सिखाएं या हमें ये राइटिंग सिखाएं, तो मैं उनके लिए ज़रूर स्टार्ट करूँगी, ज़रूर देखिएगा। और मुझे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ढेर सारे टॉपिक हैं, मुझे समझ नहीं आ रही किस पे वीडियो बनाऊँ। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कुछ फेडरल बोर्ड के बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कुछ जो है वो टेंथ के चल रहे हैं, और कुछ बच्चे एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, कुछ के अभी होने वाले हैं, कुछ के हो रहे हैं। तो मुझे बताइएगा मैं क्या करूँ, किस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ। अगर कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई टॉपिक बताइए ज़बरदस्त सा जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ और जिसमें इन चीज़ों का यूज़ हो, क्योंकि ये मेरा क्रेज़ है, मुझे बहुत क्रेज़ है इन चीज़ों के यूज़ का, कट मार्कर्स का। और मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, जैसे ही मुझे मार्कर मिले ब्लैक, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टोटली ब्लैक मार्कर यूज़ करके, ब्लैक इंक यूज़ करके आपको प्रेजेंटेशन दिखाई थी, क्योंकि बच्चे जो कह रहे थे हमें ब्लैक जो है वो इंक पेन से या ब्लैक मार्कर से लिख के दिखाओ कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी आती है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिएगा अगर मुझे मिल गई। हाँ ये देखो, ये मैंने जो है टोटली ब्लैक से जो है प्रेजेंटेशन शो की थी, ऐसा लगता है जब फोटोकॉपी है। ब्लैक 605 से ये हेडिंग्स दी, फिर 604 से ये शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दी, और इंक पेन जो है मैंने ब्लैक इंक यूज़ की। इससे कोई जो है वो टेंशन की बात नहीं है, आप एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में दो इंक अलाउ होती हैं, एक ब्लैक इंक एक ब्लू इंक। तो आप जो है वो टोटली ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप एक यूनिकनेस चाहते हो एग्ज़ाम्स में, एग्जामिनर को शो करना चाह रहे हो एक यूनिक पेपर, तो आप इस तरह से भी लेके चल सकते हो। बहुत प्यारी ये मुझे तो लुक लगी है, कोई रिस्क नहीं है इसमें मार्क्स कटने का, कोई कुछ नहीं होता ना पेपर कैंसिल होने का, क्योंकि ब्लू इंक और ब्लैक इंक दोनों अलाउ हैं। हाँ अगर आप जो है वो डाउटफुल हैं तो आप इनका कॉम्बिनेशन भी लेके चल सकते हो, मैंने जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें ब्लैक से जो है मैंने ब्लू से मेन हेडिंग्स दी हुई या ब्लैक से सब हेडिंग, क्योंकि तब मुझे 605 ब्लैक नहीं मिल रहा था, तो मैंने 605 ब्लू से जो है ये हेडिंग्स दी और 604 ब्लैक कट मार्कर से इस तरह से सब हेडिंग्स दी, और ब्लू इंक से ही जो है वो सारा सॉल्व किया, यानी कि सब हेडिंग्स और क्वेश्चन की नंबरिंग के लिए मैंने ब्लू यूज़ किया। वो भी आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो, आई थिंक तो इंटर टू फिजिक्स, फिजिक्स की सेकंड ईयर फिजिक्स की जो है मैंने प्रेजेंटेशन इस तरीके से तैयार की हुई है, ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन से, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है वो टोटली ब्लू भी कर सकते हो, आप ब्लैक ब्लू कॉम्बिनेशन भी लेके जा सकते हो, टोटली ब्लैक भी कर सकते हो। मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लगी, अगर मैं इस वक्त स्टूडेंट होती और मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे होते मैं ये ज़रूर ट्राई करती, क्योंकि आज तक ये आई थिंक सो किसी स्टूडेंट ने ट्राई नहीं किया। और दूसरा ये कि ये एक तरह से वो इस लुक आ रही है जैसे फोटोकॉपी है, ये देखो लॉन्ग क्वेश्चंस में भी कितनी ज़बरदस्त सी लुक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप टोटली सारा ब्लैक लेके चलो, लिख जो लिखना है वो आप ब्लू इंक ले लो, इस तरह भी हो सकता है। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन लिखी है, नो डाउट ब्लू से भी अच्छी आती है, लेकिन ब्लैक क्योंकि हर बच्चा जो है ब्लू यूज़ कर रहा है, अगर आप बीच में ब्लैक एग्जामिनर पेपर चेक करते करते ये देखो ब्लू से भी अच्छी है, लेकिन मुझे इस वक्त इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें ब्लैक ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ब्लू भी ज़बरदस्त है, ब्लैक का कॉम्बिनेशन साथ लेके चलो या टोटली ब्लैक भी करो, ट्राई करके देखो और अच्छा पेपर अटैम्प्ट करो, प्रेजेंटेशन अच्छी दो, अच्छे तरीके से सॉल्व करो, सारी डिटेल दो, इंशाल्लाह आपके मार्क्स फुल आएंगे और थोड़ा सा यूनिक भी हो जाएगा, एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर की नज़र में एकदम यूनिक पेपर भी आएगा, तो उसको भी अच्छा लगेगा अगर आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हुई हो तो। तो कैसे हो आप सब ज़रूर बताइएगा, और ईद में क्या एक्टिविटीज़ रही और आप क्या कर रहे हो सारा कुछ बताइएगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो का भी टॉपिक बताइएगा। ये जस्ट मैंने वैसे ही एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपसे शेयरिंग करनी थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अदरवाइज़ इसमें कुछ नहीं है ख़ास वीडियो में, ये काफ़ी बच्चों के लिए ये कुछ मैटर नहीं करते, लेकिन जो यूज़ करते हैं और जिनको ये नहीं मिल रहा होता ब्लैक 605 वो देखें और फिर मुझे बताएं। ये देखें मैंने ढेर सारे इकट्ठे किए हुए हैं 605, मुझे बहुत क्रेज़ है इनका 605 ब्लैक मार्कर का, क्योंकि मिलते नहीं थे, आज मुझे परसों मिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, और मैंने जितने उसके पास थे मैंने सारे उठा लिए और उसको कहा कि और ला के रखे मुझे चाहिए। तो ठीक है जनाब, और मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।